एक आर्डिनो यूएनओ, दो आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, 1602 एलसीडी और उसके बैक पे I2C, MG90S सर्वो मोटर, जम्पर वायर्स और इसके साथ हम यूज़ करेंगे ब्रेडबोर्ड। ये हमारी सर्किट डायग्राम है। अब हम करेंगे इसका फिज़िकल कनेक्शंस। ये हमारे पास आयर सेंसर्स है। इसकी आउटपुट की वायर जो हम लगाएंगे, ये हम लगाएंगे नंबर टू, आर्डिनो की नंबर टू पे, और बाकी की जो दो वायर्स हैं इनमें से जो येलो वायर है ये हमारे पास ग्राउंड है, और जो पैड वायर है ये हमारे पास VCC की वायर है, ये हम ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरे सेंसर के लिए हम एक जो वायर है उसकी आउटपुट वाली वायर, वो हम नंबर फोर, आर्डिनो की नंबर फोर पे पुट करेंगे, और एक वायर हम उसकी पुट करेंगे ग्राउंड और दूसरी वायर कर देंगे VCC। अब हमारे पास सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर की हमें जो मिलेगी वायर्स वो इसी तरह से आपको भी मिलेंगी, ऑरेंज, रेड और ब्राउन। ऑरेंज वायर जो है ये हमने लगानी है आर्डिनो में नंबर थ्री पे, मतलब टू और फोर के दरमियान नंबर थ्री पे लगेगी ये हमारे पास, और एक वायर उसकी ग्राउंड और एक वायर उसकी VCC पे लगेगी। रेड वायर हमारी VCC की है और ब्राउन वायर हमारी ग्राउंड की है। अब हमारे पास आ जाती है LCD। LCD के पीछे हमने I2C लगाई हुई है। I2C के हमारे पास चार वायर्स हैं। फर्स्ट टू वायर्स जो हैं ये हमारे पास ग्राउंड और VCC की है। जो पहली वायर है वो हमारे पास ग्राउंड होगी, दूसरी वायर हमारे पास VCC होगी, जो थर्ड वायर है और फोर्थ वायर है वो SDA और SCL है हमारे पास, क्लॉक वायर और डेटा वायर। एक वायर जो है हमारे पास SDA डेटा वायर, वो हमारे पास लगेगी एनालॉग इनपुट जो है यहाँ पे A4 पे, और इसी के अलावा उसके साथ साथ हमारे पास फोर्थ वायर जो है क्लॉक की वायर, वो हमारे पास एनालॉग इनपुट पे A5 पे लगेगी। ये हमारा जो कनेक्शन है वो कम्प्लीट हो गया। अब हमारे पास ये जो आर्डिनो है इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप में कोड के साथ, और ये हमारा कोड है। इसके अलावा कोड का लिंक भी, ड्राइव लिंक शेयर किया गया है, वो आपके पास होगा। ये वर्किंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब स्लॉट्स फुल हो जाएंगी तो वो कह देगा कि स्लॉट्स फुल हैं। 5 स्लॉट्स हैं, ये आप कह रहे हैं स्लॉट्स फुल। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब वो उसको ओपन नहीं करेगा।